ये एक रेगुलेटर आईसी है, जैसे 7808 होता है उसी तरह ये भी होता है। बस इसमें अंतर क्या है, ये नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर है। इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार होता है, इसमें जो पहला पिन होता है वो होता है नेगेटिव का, और जो दूसरा पिन होता है वो होता है पॉजिटिव में, और जो आउटपुट मिलती है वो हमें तीसरे पिन पर मिलती है माइनस की। और नंबर पिन जो होती है वो कॉमन रहती है, वो दोनों तरफ के लिए होती है, इनपुट भी और आउटपुट भी। ये देखिए जो हमारे पास आईसी है ये है L7905, जैसे 7805 होता है वैसे ये भी रेगुलेटर है, बस वो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ये नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर होता है। इसकी जो पहली पिन है यहाँ पर हम माइनस को कनेक्ट करते हैं और बीच वाली प्लस की रहती है, और आखिरी वाली जो है वो माइनस की रहती है। ये इनपुट है, इधर से ये आउटपुट है, बीच वाला जो प्लस वाला है वो कॉमन रहता है। जैसे पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर में ग्राउंड कॉमन होता है, इसमें पॉजिटिव कॉमन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं किस तरह चेक करना है। यहाँ पर हमने दो सैंपल के लिए आईसी ली हुई हैं और दोनों आईसियाँ नई हैं, हालांकि इनमें कुछ डिफरेंस हो सकता है कुछ नंबर का, और मल्टीमीटर को सेट किया है कंटिन्यूटी रेंज पर और इसका बजर ऑन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो एक नंबर पिन है उसको पॉजिटिव का रखते हुए चेक करेंगे। ये देखिए कोई रीडिंग नहीं और ये कोई रीडिंग नहीं, ठीक है। जब दो नंबर को प्लस का रखेंगे तब यहां पर हमें रीडिंग मिलेगी। तो रीडिंग आ रही है 631 के समथिंग, ठीक है। इसमें रीडिंग चेक करेंगे तो इसमें रीडिंग आ रही है 540 के समथिंग, ठीक है। अब तीन नंबर को जब प्लस का रखेंगे तो एक नंबर के साथ रीडिंग आएगी 873 की समथिंग, और इस पर कोई रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग कम आ रही है, वैसे यहाँ पर रीडिंग कुछ 1000 की समथिंग आती है। तो इस तरह से इसको अभी हम रखते हैं डाउट पे, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, हमें 3 और 1 के बीच में जो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए उससे कम रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो आगे देखते हैं, अगर सेम रेजिस्टेंस इसमें भी आता है तो ओके कर देंगे, अगर इतना नहीं आता है तो इसको डाउट पे रखेंगे और एक नंबर को प्लस का रखते हुए फिर से चेक करेंगे। कोई रीडिंग नहीं आई, कोई रीडिंग नहीं आई, ठीक है। अब दो नंबर का जो पिन है उसको प्लस का रखते हुए चेक करेंगे तो 2 और 1 के बीच में आ रही 638 के समथिंग रीडिंग, और 2 और 3 के बीच में रीडिंग चेक करेंगे तो रीडिंग आ रही है 546 के समथिंग, ठीक है। 10-15 अंक या 40 अंक चलते हैं ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा रहता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक नंबर के बीच में रीडिंग देखते हैं तो 880 के समथिंग आ रहा है, तो इसको ओके कर देंगे क्योंकि लगभग दोनों में सेम आ रहा है और दोनों आईसियाँ नई हैं और 2 और 3 के बीच में रीडिंग नहीं आ रही है। 3 को प्लस का रखे हैं, 2 माइनस का तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो दोनों में सेम आ रही है, तो जब कभी ऐसा होता है कि नई आईसियाँ हैं 2-4 में सेम आ रहा है तो हम लोग उसको ओके करते हैं कि जब नई आईसी में ही सेम टू सेम रीडिंग आ रही है तो उसको ओके मान लेते हैं। हाँ, एक आईसी मेरे पास और है, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या रीडिंग आती है। वो 7909 आईसी है, इसको भी देख लेते हैं क्या इसमें मिलता है। ये देखो, इस पर 7909 की रीडिंग प्रिंटेड है, ये ओरिजिनल है, तो इसको चेक करेंगे। एक नंबर पिन को प्लस रखते हुए 2 के साथ रीडिंग नहीं आई, 3 के साथ रीडिंग नहीं आई, जब 3 को प्लस का रखेंगे तब रीडिंग आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं, ये देखो रीडिंग आई 640 के समथिंग। अब 2 और 3 के बीच में देखते हैं, रीडिंग आई 552 के समथिंग। अब 3 नंबर को प्लस का रखते हुए चेक करेंगे तब रीडिंग 1 नंबर के साथ आएगी और 2 नंबर के साथ नहीं आएगी। ये देखो 885, और ये कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक है, ये सारी आईसियाँ ओके हैं। इसी तरह से हम अपनी किसी भी आईसी को चेक कर सकते हैं। ये हमारी निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं।
ये 40 वोल्ट तक इनका इनपुट दे सकते हैं। और जो ये पहली पिन है, ये पहली पिन जो है ये निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की जाती है। इसमें माइनस का जो इनपुट वोल्टेज होगा, जैसे 12 वोल्ट है, 25 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, वो माइनस की जो टर्मिनल्स रहेगी उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और दो नंबर पिन के साथ में पॉजिटिव का टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, और इसी से कॉमन होके पॉजिटिव का आउटपुट भी निकलेगा। और तीन नंबर पिन जो है ये आउटपुट की निगेटिव पिन होगी, और इन दोनों पिनों के बीच में हमें वोल्टेज मिलेंगे आउटपुट में। तो जैसे ये 7909 है तो इसमें 9 वोल्ट हमें आउटपुट में मिलेगा। इनपुट जो चाहे जो हो, बस इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये 0.86 वोल्ट जो है वो कंज्यूम करता है, डाउन करके देता है आगे। तो 9 वोल्ट से ज़्यादा यानी 10 वोल्ट इसको इनपुट में देंगे तो आगे 9 दे देगा। ठीक है, इस तरह से इसको चेक किया जाता है। तो किस तरह से इस आईसी को चेक किया जाता है, तो हमने आज के वीडियो में देखा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हैं तो हम सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे बनाए हुए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट की व्यवस्था की जाए। फिलहाल अभी समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बीच में वीडियो नहीं बन पाए हैं। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे प्रोत्साहन में आप लोग एक लाइक करें, और जरूरतमंद लोग जो है उन तक ये शेयर करें। एक्सपेरिमेंटल वीडियोज अभी कुछ दिन में आने शुरू हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।